अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि पराठे बना के फ्रीज़ कैसे करते हैं। रमज़ान आने वाला है और बहुत सारे घरों पर सुबह पराठों का नाश्ता होता है और बहुत सारे लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी रहते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि सुबह के वक्त इतने पराठे बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी बंदा लेट उठता है, और रमज़ान इसलिए नहीं कि आप खाना पकाते रहें हर वक्त, और सुबह की जो सहरी की अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप हदीस और उससे पढ़ें भी थोड़ा सा, उस पर रिसर्च करें तो इस वजह से बेहतर ये कि आप थोड़ा सा प्रेप कर लें बिफोर हैंड कि हम ये काम, मतलब हेल्दी भी है पराठे अगर आप पहले एक महीने के लिए फ्रीज़ कर लें या चले दो हफ्ते के लिए फ्रीज़ कर लें, तो कोई इतना बड़ा वो नहीं होगा कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता। आपका टाइम ही बचेगा और आपको इबादत करने के लिए टाइम और मिलेगा। तो ये सबसे पहले एक पेड़ा लेना है अपने रोटी का। हमारा आजकल आटा अच्छा नहीं आया, वही वाइट आटा पता नहीं क्यों इन्होंने बेच दिया। हालांकि ऊपर लिखा है प्योर गंदम, लेकिन धांधली करने में हमारे लोग माहिर हैं। तो ये जो पाकिस्तान में ना मार्केट से मिलता है जिसे वाइट आटा कहा जाता है, ये वो है। आप दूसरा भी ले सकते हैं, दूसरे से भी परफेक्ट बन जाएंगे। आपने पहले इसको थोड़ा सा बेलना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं बेलना। ये इतना सा बेला गया है, ठीक है। अब हम इसके अंदर बटर लगाएंगे। हमारे यहाँ पे घी नहीं मिलता तो मैं बटर लगा रही हूँ, आप घी लगाएं, ज़्यादा खस्ता पराठे बनेंगे। अब आपने इसके अंदर जेनरसली जो है बटर लगाना, ठीक है। अब इतना भी जेनरस नहीं हो जाना कि बाद में आपकी रोटी ना बने, लेकिन थोड़ा सा खुले हाथ से, ऐसे कहते हैं ना। तो ये आप बगैर, इसके बाद जब आप इसको, अच्छा अब आपने एक ऐसे 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 और ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे करके ये सारी देखें लेयर्स बन गई हैं। अब आपने इसको ऐसे लंबा खींचना और अंदर की तरफ इसको घोल करके तो पराठा बना लेना। अब हम इसको बेल लेंगे, खुश्कियों में लगाएं इसको, एक तरफ दो तरफ दोबारा रखें। तो आपके खूबसूरत से पराठे तैयार हो जाएंगे। रमज़ान आ रहा है, अपनी मेंटली तैयारी ज़्यादा करें, स्पिरिचुअल तैयारी। खाना पकाना तो हम सारी ज़िंदगी ही कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी कि यही एक महीना है जो खाना खा सकते हैं उसके बाद हमारा खाना बंद हो जाए। तो जितना कम आप कुकिंग और उसकी तरफ ध्यान दें और जितना ज़्यादा दीन सीख सकें, तफसीर पढ़ें, जिक्र अज़कार करें, तिलावत करें, सिर्फ तिलावत ना करें। कुछ लोग क्या करते हैं कि इतने इतने माशाल्लाह कुरान ख़त्म कर लेते हैं लेकिन तिलावत में सिर्फ क्या सीखा आपने, कुछ समझ नहीं आई आपको, आप अपनी ज़िंदगी नहीं बदल सकते, आप कुछ सीखे नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होता। सवाए हमें कुरान सिर्फ जो है ना सवाब इकट्ठा करने के लिए नहीं दिया गया था, हमें दिया गया था ताकि हम अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर सकें। तो वो तो तब भी कर सकते हैं जब आपको समझ आएगी। अब आपने जितना मोटा पतला रखना है ये तो अब आप पर डिपेंड करता है, आप किस तरह का खाना पसंद करते हैं। मैं थोड़ा पतला पसंद करती हूँ तो मैं इसको थोड़ा पतला बेल रही हूँ। अब आपने क्या करना है कि एक बटर पेपर लेना है, उसके ऊपर ये रख देना, एक और बटर पेपर ऊपर रखना है, दूसरा पराठा रखें, और इस तरह आप फ्रीज़ कर सकते हैं। पहले इसको ट्रे में फ्रीज़ कर लें और उसके बाद उसको निकाल के आप शॉपर में डाल सकते हैं। ये आपका खूबसूरत पराठा तैयार है। जब आपने फ्रीज़र से निकालना है, आप तवे पर डालेंगे और ऊपर इसके, अब किसी ने घी लगाना है, बटर लगाना है, ऑयल लगाना है, जो मर्ज़ी लगा के आप इसको नॉर्मल पराठे की तरह बनाएंगे तो ये पराठे आपके तैयार हो जाएंगे। अभी मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ। अब हम इसको गरम, पहले आपने तवा कर लेना और उसके बाद आपने इसको डाल देना। दुनिया का सबसे आसान काम पराठा बनाना है। पता नहीं वो कौन सा लोग है जो कहते हैं पराठा बनाना बहुत मुश्किल है। हाँ, रोटी बनाना थोड़ा टेक्निकल चीज़ है क्योंकि कभी उसको कुछ का ज़्यादा हो जाता है, कभी उसको कुछ हो जाता है, लेकिन पराठा इज़ वेरी इजी थिंग। अब आपने इसको फ़ौरन नहीं बदलना, जब आप देखेंगे ये ब्राउन ब्राउन नीचे से पक गया है एक तरफ से, तो फिर हम इसको पलटेंगे और फिर हम इसके ऊपर ऑयल, बटर या घी, जो भी आपकी मर्ज़ी है। हम बटर से ही बनाते हैं तो हम बटर ही लगाएंगे, ऑयल से तो कम अज़ कम हेल्दी ऑप्शन है बटर। अब आपने इसको बदलना और अब हम इसके ऊपर बटर लगाएंगे। जो लोग थोड़े
हेल्थ कॉन्शियस हैं इससे भी ज़्यादा, और जो कोई प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है हेल्थ, तो वो सिर्फ अंदर ही बटर लगाएं, ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं, तब भी आपको ये बहुत ही खस्ता किस्म का जो रोटी है वो तैयार हो जाएगी, क्योंकि सूखी रोटी सुबह खाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और हम पराठे फ्रीज़ नहीं कर रहे, मैं इसलिए आपको फ्रीज़ पराठा नहीं दिखा सकती, क्योंकि हमारे घर कोई भी पराठा नहीं खाता। हम लोग, अगर आप भी अपना चेंज करना चाहते हैं डाइट, तो दही लें सुबह, खजूर खाएं सुबह, फ्रूट खाएं, ताकि आपको पूरे दिन की जो विटामिन है वो पूरे हो सकें। ख़ासतौर पे वो लोग जिनके ऊपर पहले ये ज़िम्मेदारी नहीं थी, और इस रमज़ान उन्होंने पहले पहली दफ़ा पराठे बनाने, तो वो पहले ही फ्रीज़ कर लें, क्योंकि उनकी स्पीड भी कम होगी, और ज़्यादा लोग के सुबह उठ पराठा बनाना जब आपका दिमाग भी इतना काम नहीं कर रहा होता, मुश्किल हो जाता है। आप इसको हल्का सा हिला लें, नहीं भी हिलाएंगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन मैं फारी खड़ी हूँ तो मैं इसको हिला रही हूँ। और ये आपका पराठा रेडी होने वाला है। फिर एक दफ़ा कह रही हूँ कि रमज़ान के बाद भी खाने पे कोई पाबंदी नहीं होती है, कि आप सारा रमज़ान, कुछ लोग होते हैं सिर्फ सारा दिन खाने के बारे में सोचते हैं, खाना क्या खाना है, क्या पकाना है, क्या फ्रीज करना है, तो बाकी मतलब सारा साल कर रहे हैं रमज़ान जो है वो आप कह लें कि सेल का महीना है, जिसमें आप अल्लाह ताला की बहुत सारी रहमतें और नेमतें समेट सकते हैं, तो उस पर ही कॉन्सेंट्रेट करें बजाय खाने पीने के। और ये हमारा पराठा तैयार है। सूरत पराठा तैयार है। अगर अब आपने इसके बल देखने हैं तो आपको इसके साथ थोड़ा सा हत्याचार करना पड़ेगा। हत्याचार, इसको एक दफ़ा ऐसे करें, एक दफ़ा ऐसे करें, ये देखिए बहुत खूबसूरत लेयर्स भी निकल आएंगे। और डॉन के पराठे से बहुत बेहतर है, उनमें पता नहीं क्या कुछ उन्होंने डाला होता। और बस आज के लिए इतनी वीडियो थी, आप इंजॉय करें और अपना रमज़ान आसान बनाएं। अल्लाह हाफिज़।